नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 50 साल के बाद शुक्र और राहु ने विपरीत राजयोग का निर्माण किया है। ये जो विपरीत राजयोग होता है ना, इसे ज्योतिष के सभी शुभ योगों में से एक माना जाता है। इस समय राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में ही आए हैं और 18 महीने वो मीन राशि में रहते हैं। और शुक्राचार्य भी अभी 31 मार्च को अपनी उच्च मीन राशि में आ गए हैं। 50 साल के बाद मीन राशि में इन दोनों ग्रहों की युति बनने से विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है। ये राजयोग बहुत ही पावरफुल होता है। जिन लोगों की कुंडली में विपरीत राजयोग होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी शिखर तक पहुंच जाते हैं, कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं, हैरान कर देने वाली सफलताएं जीवन में हासिल करते हैं। भारतीय ज्योतिष के मुताबिक विपरीत राजयोग तीन तरह के होते हैं, हर्ष राजयोग, सरला राजयोग और विमल राजयोग। किसी जातक की कुंडली में छठे भाव के स्वामी आठवें या बारहवें भाव में हो तो हर्ष राजयोग बनता है। इसके अलावा यदि आठवें भाव के स्वामी छठे और बारहवें भाव में विराजमान होते हैं तो सरला राजयोग निर्मित होता है। विमल राजयोग तब बनता है जब बारहवें भाव के स्वामी छठे और आठवें भाव में मौजूद रहते हैं। विपरीत राजयोग कुंडली में कई तरह से बनते हैं। यह राजयोग तब बनता है जब नेगेटिव प्रभाव वाले सभी ग्रह एक साथ आ जाते हैं। यदि किसी कुंडली में छठे, आठवें और बारहवें भाव के स्वामी किसी अन्य दो भावों में एक साथ विराजमान हो तो भी ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग बनता है। अब 50 साल के बाद शुक्र और राहु की मीन राशि में युति ने विपरीत राजयोग बना दिया है। यह विपरीत राजयोग 24 अप्रैल तक रहने वाला है और चार राशियों को गजब की सफलता देने वाला है। ऐसी भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली भाग्यशाली राशि वृषभ राशि है, जो शुक्र की राशि है। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र और राहु का संयोग बहुत ही शुभ फलदायी साबित होने वाला है, क्योंकि यह संयोग आपकी राशि के इनकम और लाभ स्थान में बनने जा रहा है। इसलिए आपकी आमदनी में इजाफा होगा, जबरदस्त इजाफा होगा, इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं, बिजनेस से जुड़े लोगों को फायदा हो सकता है, आपके अपने लव पार्टनर के साथ या जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल भी रहेगा, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहने से मन प्रसन्न रहेगा। और आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहेंगे तो ये जो अवधि है इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी फेवर में रहने वाली है और आप शेयर बाजार, सट्टा और लाभ लॉटरी से भी लाभ कमा सकते हैं। दूसरी भाग्यशाली राशि मिथुन राशि है। शुक्र और राहु का ये जो संयोग है, ये मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि ये युति जो है वो आपकी गोचर कुंडली के कर्म स्थान में पड़ रही है। इसलिए आपको काम और कारोबार में अच्छी सफलता मिलने वाली है, कैरियर में आगे बढ़ने के आपको भरपूर मौके मिलेंगे और आप उनका उपयोग करके अपने कैरियर में तरक्की करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो नए ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, अच्छा धन लाभ आपको हो सकता है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है। तीसरी भाग्यशाली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि वालों के लिए राहु और शुक्र की युति लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि ये युति आपकी राशि के नवम भाव में बनने जा रही है। नवम भाव भाग्य स्थान होता है, इसलिए आपका भाग्योदय हो सकता है, आपको पद में बढ़ोतरी होगी, इनकम में तेजी से बढ़ोतरी होगी और आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, देश विदेश की यात्राएं करने के संयोग भी बनेंगे, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए तो समय बहुत ही शानदार रहेगा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिल सकती है। चौथी भाग्यशाली राशि मीन राशि है, जिसमें 50 साल के बाद ये विपरीत राजयोग बनने जा रहा है। मीन राशि वालों की इनकम में इजाफा होने के संकेत हैं, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, कई बेहतरीन मौके आपको आगे बढ़ने के मिलेंगे, विदेश जाने के योग भी बनेंगे, बिजनेस में अच्छी डील हो सकती है, नौकरी पेशा जो लोग हैं वो कैरियर में अच्छी तरक्की करेंगे और तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ होगा, किसी सामाजिक कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो
जो है वो बना रहेगा और आप अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक, ऊर्जावान, उत्साही महसूस करेंगे आज की पोस्ट में। बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।